युवक का अपहरण कर 3 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। यह घटना तिजारा के जेरौली गांव की है। थाना अधिकारी हनुमान यादव के अनुसार इसे लेकर रोहताश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया कि रोहताश के भाई राजेश को जेरौली के गांव के ही 2 लोग अपनी बाइक पर बैठा कर ले गए। इसके बाद अपने साथियों के साथ बोलेरो गाड़ी में डालकर अपहरण कर लिया। इसी दौरान फोन पर पीड़ित राजेश ने बताया कि अपहरण करने वाले दोनों लोगों ने उसका एक खाता खुलवाया है, साथ ही फ्रॉड की 3 लाख की राशि राजेश के खाते में डाली है। इसके बाद एक अनजान व्यक्ति ने बार बार रोहताश को फोन किया और कहा कि वह रकम पहुंचा दे, इसके बाद भाई को जहां कहे वहां छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चा को उठा के लेगा हमारा 6 तारीख को बच्चा को लेगा, तो हम लोग तो 5 बजे की पता लगी, 5 बजे बच्चा गयो। फिर बाद में फिर हम फोन हुए, हम अपने ससुराल में बूढ़ा बूढ़ी दोनों, फिर हमको 8-9 बजे पता लगी। फिर हम ट्रैक्टर लेके आया, हमारा साला को ट्रैक्टर ऊपर के गयो। हमने मामला दर्ज करा दिया। हाँ जी, मामला दर्ज करा। अभी तक कोई नहीं पता लगे? पता नहीं लगा। जेरौली निवासी रोहिताश मेघवाल ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे भाई राजेश को कल दिनांक 6/6/24 को गांव के ही 2 लड़के जो मेरू समुदाय से हैं, जो उनके साथ में ही उनका उठ बैठ रही है, उन्होंने बाइक पे बिठा के लेके और एक किसी बोलेरो गाड़ी में जाके बिठाया। और उसके बाद से वो जो बोलेरो के वाले जो आदमी हैं, जो मेरे भाई के फ़ोन से मेरे पास फ़ोन करके कहा कि आपके भाई ने फ्रॉड किया है और फ्रॉड के पैसे हमारे वापस डलवाओ, तब हम आपके भाई को छोड़ेंगे और हम इसको हमारे पास बिठा रखा है, बंधक बना रखा है, ये इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है। और तफ्तीश शिवराज सिंह द्वारा की जा रही है। थाने स्तर पर एक टीम का गठन कर तलाश के अंदर रवाना कर दी गई है।